और ये लास्ट मोमेंट प्रिपेरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम। देखो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को शिफ्ट वाइज फाइनल स्ट्रेटजी में बताऊंगा कौन से स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेरेशन करनी है, डेट वाइज आपको क्या क्या आपको टारगेट लेके चलना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट मोमेंट में अगर प्लानिंग नहीं रहेगी ना तो कुछ यूज नहीं होने वाला है, कभी भी उठोगे कुछ भी पढ़ोगे तो नहीं चलने वाला लास्ट मोमेंट में। एक प्रॉपर प्लानिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो नहीं बट एटलीस्ट आपको तो जीत के आना है, कॉलेज तो जीतना है हमको, है ना, कॉलेज में एडमिशन तो लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो लेना है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट का ना दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कभी भी दो सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो दो सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड रिलीज हुए काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था जैसे ही आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे वैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब होने वाली है। एग्जाम फियर बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, डिमोटिवेशन फील होता रहेगा, ये सारी चीजें आप फील करोगे इस मोमेंट पे। और इस मोमेंट पे पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होगी। इतना सारा सिलेबस बाकी था भैया, अभी मेरे पास इतना कम टाइम है, मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि मेरा 9th में 10th में शिफ्ट को आएगा एग्जाम, बट मेरा तो आ गया सेकेंड में फर्स्ट शिफ्ट को ही आ गया, किसी का सेकेंड शिफ्ट को आ गया। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का सेकेंड मे को एग्जाम है, जो जिनका सेकेंड मे को जिनका फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट है वो रोलर कोस्टर के आगे फ्रंट वाले सीट पे आके बैठ गए हो आप, आपकी सिचुएशन ये हो गई है। अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन है, अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में एक फाइनल स्ट्रेटर्जी, देखो अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पूरा एंड तक देखो, जिनका भी आपका एग्जाम 17th मई तक जिनका भी एग्जाम है, हर एक शिफ्ट वालों के लिए, जिनका एग्जाम 10th मई को है, जिनका एग्जाम 15th मई को है, जिनका एग्जाम 2nd मई को है, हर एक शिफ्ट वालों के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटर्जी, एक प्रॉपर प्लान मैंने बनाया है। और ये लास्ट मोमेंट प्रिपेरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होने दो, ये लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। ये तो डिसाइड करती है कि आप जो है, आप जो भी आपका ड्रीम है, आपका जो भी गोल है, या तो आपको वो अचीव करा देगी या तो फिर आप फेल हो जाओगे। यहां तक पहुंच के फेल होना, ये ना आप इसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, यहां तक आके फेल होना मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो आप भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कि यहां तक लास्ट मोमेंट में आके आप फेल हो जाओगे। ये आप ऐसा बिल्कुल भी, देखो बहुत लोग डायरेक्टली ड्रॉप लेने का सोच लेते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, ये क्या चीज है। देखो एंड तक लड़ना है ना, लड़ो, अभी है ना टाइम अपने पास। देखो जिनका सेकेंड मे को एग्जाम है 10 दिन है ना आपके पास, और जिनका 15th मे को, उनके लिए तो कुछ टेंशन ही नहीं है, उनको तो सारे पेपर्स मिलने वाले हैं। देखो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को शिफ्ट वाइज फाइनल स्ट्रेटर्जी में बताऊंगा कौन से स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेरेशन करनी है, डेट वाइज आपको क्या क्या आपको टारगेट लेके चलना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बार आया इस चैनल पे स्टूडेंट, मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको एडमिशन प्रोसेस में एज वेल एज आपके इंजीनियरिंग प्रोसेस में काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। 2nd मई से लेके 17th मई तक आप सभी स्टूडेंट्स को लिंक मिल जाएगी सारे व्हाट्सएप ग्रुप की, 9 व्हाट्सएप ग्रुप्स है, टोटल नाइन ग्रुप में से आप सभी स्टूडेंट्स को आपका जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है सिर्फ वही ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा 2-3 ग्रुप ज्वाइन कर लेता है एंड वहां पे ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स है, अगर वो ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स अगर आपको पकड़ लेंगे तो आपको पूरे ग्रुप से निकाल देंगे, देन उसमें आपका लॉस होगा, क्योंकि हम लोग उस ग्रुप में शिफ्ट एनालिसिस करने वाले, बहुत हेल्प होने वाली है उस ग्रुप से। तो आपका जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी यस वी आर प्लेइंग फिनाले मैच, फाइनल मैच पे पहुंच गए हम लोग, फिनाले मैच हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। फाइनल मैच किसका है, मिशन टॉप 10 कॉलेज का फाइनल मैच है। हम लोग ने लास्ट 21 डेज चैलेंज कंप्लीट किया, उसके बाद डेली हम लोग ने आपको टास्क दिया, मैं आपने डेली उसको कंप्लीट किया। इसका मतलब है अभी सेमीफाइनल मैच भी हो गया, फिनाले मैच है, डायरेक्ट फिनाले मैच हम लोग को खेलना है मिशन टॉप 10 कॉलेज का। मिशन टॉप 10 कॉलेज हम लोग को लेके रहना है लास्ट के जो 10 दिन है, ये 10 दिन की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको अभी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सिलेबस कवर किया है उसको एग्जाम तक याद रखना है। एग्जाम जब तक दोगे नहीं तब तक उसको ऐसे ही याद रखना है आपको। जिस दिन एग्जाम दे के आ गए, समझो आप 5 बजे आपका एग्जाम खत्म हो गया, बाद में भूल जाओ ना जो आपने पढ़ा है, भूल जाओ, लेकिन वो 5 बजे तक जब तक आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो, वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो स्ट्रेटर्जी मैंने कैसे बनाई है, बहुत ही प्लानिंग से मैंने स्ट्रेटर्जी बनाई है। अब प्लानिंग क्या है कि पहले मैं बैच 1 को कंसिडर करूंगा, जिनका भी एग्जाम जो है 2nd मे को है या फिर 3rd मे को है या फिर 4th मे को है,
ठीक है, बैच वन में कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका एग्जाम सेकेंड मे को है, थर्ड मे को है और फोर्थ मे को है। जो बैच वन वाले स्टूडेंट्स है वो रोलर कोस्टर की फ्रंट सीट पे आगे बैठ गए। अब ये मिडल वाले स्टूडेंट्स क्या नाइन्थ में, अभी यहाँ पे उनको गैप मिल रहा है ना फोर्थ मे के बाद डायरेक्टली नाइन्थ में, पांच दिन का गैप मिल रहा है इनको टेंथ में इलेवेंथ में। फिर उसके बाद बैच थ्री वाले कौन से स्टूडेंट्स होंगे, फिफ्टींथ मे वाले, सिक्सटींथ एंड सेवनटींथ, इनको भी पांच दिन का गैप मिल रहा है, लगभग चार दिन का गैप मिल रहा है। तो जिन जो बैच टू और बैच थ्री वाले वो तो खुद को लकी मान लो, या तो एक जाओ नारियल भी फोड़ सकते हो, फोड़ लो, क्योंकि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले जो भी इंपॉर्टेंट डेज आपको जो रिमेनिंग टाइम मिला है ना उसमें आप जो आपको शिफ्ट एनालिसिस मिलने वाली है, जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले वो सब कुछ काफी हेल्प करने वाली है। तो पहले सबसे पहले गॉड को थैंक करो कि आपका शिफ्ट जो है इन बैच दो या तीन में आया है, और जो बैच वन वाले हैं आप बैच वन वाले कुछ कर नहीं सकते, जो होना था वो हो गया, आप रोलर कोस्टर की फ्रंट सीट पे आके बैठ गए हो। अब यहाँ से जो है आप डायरेक्टली रिटर्न तो जा नहीं सकते, अब फिनाले मैच में आप स्टेडियम में आ गए हो, क्रीज पे हो, अब बैटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है, अभी बैटिंग करके ही जाना है आपको, भले आउट हो या तो सिक्स मार के जीत जाओ। हम लोग को मिशन टॉप टेन कॉलेज है, मिशन टॉप टेन कॉलेज हम लेके रहेंगे लास्ट के दस दिन में, ये बिलीफ रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, हम लोग कर लेंगे। स्पेशली बैच वन वाले स्टूडेंट ज्यादा डरो मत, मैं बता रहा हूँ ज्यादा डरो मत, कुछ ऐसा डरने की बात है नहीं, एग्जाम का प्रेशर इतना लो मत, इतना हैंडल नहीं कर पाओगे आप, दस दिन है, दस दिन में कैसे, देखो यहाँ पे मैं पूरे दस दिन का एक प्रॉपर प्लान बनाया हूँ, पूरा दस दिन का एक प्रॉपर प्लान बनाया हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, कैसे हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे पढ़नी है। लास्ट मोमेंट में अगर प्लानिंग नहीं रहेगी ना तो कुछ यूज नहीं होने वाला है, कभी भी उठोगे कुछ भी पढ़ोगे तो नहीं चलने वाला लास्ट मोमेंट में। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 25th of April तक क्या करना है, 25th of April तक आप सभी स्टूडेंट्स को देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, जो पढ़ना है पढ़ लो, 25 अप्रैल तक जितना पढ़ना है पढ़ लो, जो भी बैकलॉग है पढ़ लो, जो आपको नहीं आता है उसको अच्छे से कर लो, लेकिन 25 अप्रैल के बाद एक भी न्यू चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, 25 अप्रैल के बाद एक भी न्यू चैप्टर को, आपका कोई भी चैप्टर छूट गया होगा भैया छोटा चैप्टर है या कर लू गया थोड़ा, अभी जो बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री का बायो मॉलिक्यूल पॉलीमर हो गया वो एक्सेप्शन है, वो उसको तो तुम दो घंटे में भी प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन जैसे ईएमआई हो गया, ऑक्सीलेशन हो गया, जो लेंथी चैप्टर्स है उनको तो हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी। 25 अप्रैल तक आपको, आपके पास टाइम है, 25 अप्रैल तक जो पढ़ना है पढ़ लो, फिर उसके बाद एक भी चैप्टर को, ये स्ट्रेटजी जो है बैच वन वालों के लिए। फिर इसके बाद बैच टू की बात करेंगे और बैच थ्री की बात करेंगे। देखो वीडियो जितना भी थोड़ा बहुत लेंदी हो जाए हो जाए, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। 25 अप्रैल तक क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ना है आप 25 अप्रैल तक पढ़ो, उसके बाद एक भी नए चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है। 26 से लेके 28, 26, 27 और 28, ये तीन दिन जो है, ये तीन दिन आपको क्या करना है, 2023 का एक पेपर तो एटलीस्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, एक पेपर डेली आपको एक पेपर तो सॉल्व करना है, 26 को एक, 27 को एक, 28 को एक, 2023 का जो पेपर है उसको एज अ मॉक टेस्ट दो, 2023 के जितने पेपर्स है 150 150 150 450 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लो, सॉल्यूशंस को भी रेफर करो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप सॉल्यूशन से ही आप काम चला लो, लेकिन वो 2023 के क्वेश्चंस देख के जाना है। देखो ये लास्ट मोमेंट में बैच वन होने दो, बैच टू होने दो, बैच थ्री होने दो, ये 2023 के जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए, 2023 के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, एंड इसके सॉल्यूशंस भी आपके पास होने चाहिए, तभी आपके 2023 के क्वेश्चंस आपको समझेंगे। मैथ्स के लिए तो मैंने आपके लिए वन शॉट सीरीज लॉन्च कर दी है, अब उसमें जितने मैक्सिमम चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे, ऑलमोस्ट देखो मैथ्स टू का हम लोग का पार्ट टू कंप्लीट होने को आया है, और यहाँ पे अभी 2023 के क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ने लिए उस बैच में, वन शॉट सीरीज में फ्री बैच है वो, वहां पे अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशंस को देखना है, और राइजिंग एजुकेशन ऐप में बूस्टर बैच में एक इसी बैच में जो है 2023 के सारे शिफ्ट के पेपर विद इट सॉल्यूशन एज अ फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए, और वो बैच अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी आप उसमें उस बैच में एनरोल कर सकते हो। देखो और क्या करना है आपको, तीन दिन आपको डेली फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है, वो 450 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए, वो 450 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर एक अपने फ्रेंड को बुला लेना, ये 450 क्वेश्चन में से मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले भाई तू, ऐसे बोलो उसको, एंड वो जो भी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ऐसी लेवल की प्रिपेरेशन होनी चाहिए उस टाइम पे, 26 to 28 अप्रैल, देन उसके बाद 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, 29 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा दिन जो है मैथ्स को देना है, 29th को क्या करना है,
पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, और यहाँ से स्टार्ट कर दो 15-15 घंटे पढ़ाई करना, ठीक है। जो बैच वन वाले स्टूडेंट्स है ना, 15-15 घंटा स्टार्ट कर दो यहाँ से पढ़ाई करना, सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैथ्स वन और मैथ्स टू आपको रिवाइज करना है। देखो अगर रिविजन करना है, वन शॉट वीडियोस देखो इनटू 2x पे लगा के आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो फ्री बैच मैंने लॉन्च किए वो वन शॉट वीडियोस देखो, डायरेक्टली इनटू 2x पे लगा के देखो, उसमें जरा भी टाइम पास नहीं है, वीडियो में कुछ भी जरा भी टाइम पास नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्टली आपको वन शॉट वीडियोस इनटू 2x पे लगाना है। एक घंटे का वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो रिविजन करने के लिए, दैट इज मोर यूजफुल। आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो पीवाईक्यू को रेफर करना है, देन उसके बाद उसके नेक्स्ट डे क्या करना है, फिजिक्स, पूरा फिजिक्स आपको रिवाइज करना है। फिर उसके बाद सिर्फ एक ही दिन बचा रहेगा हमारे पास, दैट इज 1st अप्रैल, 1st मई बचा रहेगा, ठीक है, अप्रैल नहीं मई बचा रहेगा, 1st मई, 1st मई को क्या करना है, पूरा पीसीएम रिविजन करना है। लास्ट के 3 दिन जितने भी सारे बैच वाले स्टूडेंट्स है, चाहे बैच वन रहने दो, बैच टू रहने दो या फिर बैच थ्री रहने दो, लास्ट के 3 दिन एक भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना है आपको, ठीक है, लास्ट के 3 दिन एक भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना है, और लास्ट के 5-6 दिन पहले कोई भी नए चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है। जैसे हम लोग बैच वन स्टूडेंट्स वालों के लिए क्या किया है, 26 से लेके 1 मई तक कोई भी नए चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है। जो 6-7 दिन है यहाँ पे आपको 26 से लेके 1 तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, और आपको क्या करना है, सिर्फ रिविजन करके आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। 26 से लेके 28 तीन मॉक टेस्ट दे दो, एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, वहां से 450 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, जितना पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करते जाओ। आई होप सो बैच वन के लिए स्ट्रेटर्जी समझ में आ गई सबको, जिनका भी बैच वन, जिनका भी 2nd मई, 3rd मई और 4th मई को एग्जाम है, कमेंट सेक्शन में जाओ एंड ये स्ट्रेटर्जी आपको कैसे लगी है बताओ। अगर आपने इसको फॉलो किया ना, डेफिनेटली आप मिशन टॉप 10 कॉलेज में जाओगे, फिनाले मैच भी आप जीत जाओगे। इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो नहीं, बट एटलीस्ट आपको तो जीत के आना है, कॉलेज तो जीतना है हमको, है ना, कॉलेज में एडमिशन तो लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो लेना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अभी बैच टू के लिए। बैच टू के लिए क्या स्ट्रेटर्जी होने वाली है, बैच टू मतलब कौन कौन से एग्जाम, 9th मई, 10th मई और 11th मई शिफ्ट वाले, ओके, 11th मई शिफ्ट वाले बैच टू, जिनका भी एग्जाम 9th, 10th और 11th मई शिफ्ट को है, तो देख लो क्या करना है आपको। 30 अप्रैल तक, आज से 30 अप्रैल तक जितना भी बैकलॉग है उसको एक पहले इनकम्प्लीट लिस्ट जो है, एक इनकम्प्लीट चैप्टर की एक लिस्ट बनाओ। सबसे पहले ये काम करो कि भैया आप मेरे फिजिक्स में जो है इतने चैप्टर्स इनकम्प्लीट है, मैथ्स में इतने चैप्टर्स इनकम्प्लीट है, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स इनकम्प्लीट है, एक लिस्ट बनाओ। फिर उसके आगे एक चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है, एक चेकलिस्ट बनाओ उसके आगे, और उनको कंप्लीट करने लग जाओ 30 अप्रैल के बाद, क्योंकि एक भी नए चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है आपको 30 अप्रैल के बाद, एक भी नए चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है। भैया बोलोगे हमारे पास तो 9 दिन है, 9 दिन होने के बावजूद भी हम लोग एक भी चैप्टर को हाथ ना लगाए, ऐसे क्यों? क्योंकि वहां पे जो शिफ्ट एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होंगे हमें वो भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और प्लस 2023 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग को प्रैक्टिस करना है। बैच वन वालों के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए उन लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको पूरे पेपर सॉल्व करना है। आपके पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, उसमें 2023 के हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला जो है देखो, पहला पॉइंट, सारी एक इनकम्प्लीट की लिस्ट बनाओ, वो बैकलॉग को क्लियर करना है और फुल लेंथ टेस्ट देना है लास्ट मोमेंट में। देखो ये हर एक टॉपर का सजेशन यही है कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना है, तो फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर जितना ज्यादा फोकस करोगे, और ये सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट दे के कुछ होता नहीं है, जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना खुद को तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस टेस्ट देते जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस करो उसको, कहाँ पे आपके स्कोर जो है कहाँ पे कम आ रहे हैं ये पता आना, अब ये आपको पता चलना चाहिए कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं बन रहे हमारे। अब लास्ट मोमेंट में क्या करना है आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया, पहले सबसे पहले सारी इनकम्प्लीट लिस्ट की चैप्टर इनकम्प्लीट चैप्टर की लिस्ट बनाओ और फुल लेंथ टेस्ट देना है डेली आपको। डेली नहीं दोगे तो भी चलेगा, अल्टरनेट डे आप सभी स्टूडेंट्स को देना ही है, ठीक है। कंप्लीट 12th पूरा सिलेबस आपको इस 30 अप्रैल तक 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट इस बैच में आ रहा है, बैच टू में, आप सभी स्टूडेंट्स को 100% 12th का सिलेबस कंप्लीट करके लेना है, ओके, कुछ भी हो जाए 100% सिलेबस कंप्लीट करके ले लो, और प्लस 3 फुल लेंथ टेस्ट दे देना इस बैच में 30 अप्रैल तक। एटलीस्ट आप 3 फुल लेंथ टेस्ट तो दे ही सकते हो, 3 फुल लेंथ टेस्ट अल्टरनेट डे पे दो, और हर बार एनालिसिस करो, हर बार आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 1st मई को, 1st मई से लेके 5th मई तक 2023 के सारे पेपर्स को, और विथ इट्स सॉल्यूशंस, ओके, 2023 के सारे पेपर्स
विथ इट सॉल्यूशंस इनको रेफर करना है। 2023 के सारे पेपर्स आपको रेफर करना है। 30 अप्रैल तक आपने 12वीं का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने मॉक टेस्ट भी दे दिया, अब दो देन उसके बाद 4 से 5 दिन क्या करना है, 4 से 5 दिन आपको 2023 के 12 शिफ्ट के पेपर डेली 2 पेपर लेना है और उसको अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है, सारे एमसीक्यूज को गो थ्रू करना है। आपने ऑलरेडी 12वीं का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आपने आप भैया बोलोगे कि हम लोग ने मॉक टेस्ट तो दिया है एज अ 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट दिया है, फिर से सॉल्व करो वो क्वेश्चन पेपर को, फिर से आप गो थ्रू करो। देखो जितने क्वेश्चंस आ सकते थे सीईटी एग्जाम में वो आए, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हो सकते हैं इस बार भी, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट अलग न्यू टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो 2023 के जो क्वेश्चंस पेपर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सारे बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 2023 के 12 शिफ्ट के पेपर प्लस उसके सॉल्यूशंस, ठीक है, ये सब कुछ आपको बूस्टर बैच में मिल जाएगा, बूस्टर बैच में अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और प्राइस भी बहुत कम है। देन उसके बाद 6th May, 7th May और 8th May, तो 6th May को आपको क्या करना है, मैथ्स को रिवाइज कर लो, या तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 1 May से लेके 4 May तक, ठीक है, 1 May से लेके 4 May तक ये 4 दिन इनफ है। तो उसके बाद आप जो है 5th May को जो है केमिस्ट्री को रिवाइज कर लो, 5th May को केमिस्ट्री को रिवाइज कर लो, उसके बाद मैथ्स को रिवाइज कर लो। कभी भी कोई भी स्टूडेंट का ना 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कभी भी 2 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट को और स्ट्रांग बनाओ, ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको जो भी पसंद है, फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स मैथ्स तो कंपलसरी होना चाहिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट में, ठीक है, मैथ्स तो वो कंपलसरी है, वो ऑप्शनल में नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो दोनों सब्जेक्ट जो 2 स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो पहले 2 स्ट्रांग सब्जेक्ट को आप रिवाइज करोगे उसके 2 दिन के बाद, देन उसके बाद 7th May को आप फिजिक्स जो भी आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो, और 8th May को जो है पूरा का पूरा PCM रिवाइज करोगे, ठीक है, पूरा PCM रिवाइज करोगे, पूरे फॉर्मुलेस को रिवाइज करोगे, डेली आपको जो है ना रिवीजन करना है और प्लस फॉर्मुलेस को गो थ्रू करना है। आप सोने जा रहे हो ना, सोने जाने से पहले क्या करो, आप 5-6 चैप्टर्स के एक साथ फॉर्मुलेस को गो थ्रू करो और फिर अपने आंखों को बंद करो और वहां पे सोचो, पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स कहां से स्टार्ट हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, ये सब कुछ जो है ना ऐसा फ्लो में आना चाहिए आपके माइंड में, वो चैप्टर कैसा फ्लो में गया है ना वैसा फॉर्मुलेस आपके माइंड में आपके दिमाग में आने चाहिए, वैसी आपकी प्रिपेरेशन होनी चाहिए, ठीक है, समझ गया बैच 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ओके, अब मैं तो एक ही यही सजेस्ट करूंगा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिख लो। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये स्ट्रेटर्जी को फॉलो कर रहे हो ना तो प्लीज और कोई डिफरेंट स्ट्रेटर्जी को मत फॉलो करना। अगर आप कोई दूसरे टीचर की स्ट्रेटर्जी फॉलो कर रहे हो तो प्लीज आप वही स्ट्रेटर्जी को फॉलो करो। देखो यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं ना वो आपको एक सही पाथ बता सकते हैं, एक सही गाइडेंस आपको बता सकते हैं। आप जो भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो उनकी स्ट्रेटर्जी को फॉलो करो, जरूरी नहीं मेरी स्ट्रेटर्जी को फॉलो करो, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये स्ट्रेटर्जी को फॉलो करना है तो फिर उसके अलावा और डिफरेंट कोई स्ट्रेटर्जी को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जो यूट्यूब पे टीचर्स जो है जो पढ़ाते हैं वो सारे वीडियोस देखा करो, लेकिन ऐसे भी वीडियोस जहां पे सिर्फ स्ट्रेटर्जी बताया जा रहा है 10 दिन में ये करो वो करो ऐसा वैसा, ये फालतू के वीडियोस मत देखो, ये जो फालतू के वीडियोस अपलोड होते हैं ना इन सब फालतू के वीडियोस में चक्कर में मत पड़ो। जो आपको टीचर्स जो ऑथेंटिक टीचर्स जो लगते हैं जहां से आपका कुछ ना कुछ आउटकम आ रहा है, जहां से कुछ ना कुछ आप वहां से सीख के जा रहे हो, ऐसे टीचर्स को फॉलो करो, ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करो बस। बाकी जो भी फालतू का ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे उन सबको देखना नहीं है इतना, ठीक है। बैच 2 वाले स्टूडेंट समझ गया कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये लिख के ले लो, हो सके तो आप पॉसिबल हो सके तो सारी चीजें लिख के ले लो, ठीक है। बैच 3 वाले स्टूडेंट्स, अब ये तो आप खुद को बहुत ज्यादा लकी मान लो, क्योंकि आपके पास जो है बैच 1 के क्वेश्चन पेपर, बैच 2 के क्वेश्चन पेपर, सब क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, और प्लस पीसीबी के क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले, और क्या चाहिए आपको, बस जाना है, एग्जाम देके आना है, लेकिन इतना भी रिलैक्स थोड़ी ना होना है आपको, बाकी सारी चीजें भी तो कंप्लीट करनी है, ऐसा थोड़ी ना। बैच हम लोग का 15th May को है, आराम से पढ़ेंगे भैया हम लोग, बहुत ज्यादा टाइम है, अब ये टाइम कैसा जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, तो इसलिए क्या करो, अभी यहाँ पे जो स्ट्रेटर्जी मैंने दी है, जो पॉइंट्स मैंने दिए, 30 अप्रैल तक सेम स्ट्रेटर्जी रहने वाली है एस बैच 2, 30 अप्रैल तक बैकलॉग जो आपकी इनकम्प्लीट लिस्ट चैप्टर की लिस्ट है उसको कंप्लीट करो और फुल लेंथ टेस्ट दो, कंप्लीट 12th का सिलेबस हो जाना चाहिए और 3 फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको। 1st May से लेके 5th May तक आपको 2023 के सारे पेपर्स और प्लस 11th के आपको एटलीस्ट 5-5 चैप्टर्स तो कंप्लीट करना है। देखो अगर 12वीं का सिलेबस कंप्लीट हो गया ना तो आपका जो है ना यहाँ पे 11th के चैप्टर्स भी 5-5 कंप्लीट हो सकते हैं, तो ये चैप्टर्स भी कंप्लीट करने का ट्राई करो।
ठीक है, देन सिक्स में से लेके आपको क्या करना है, टेंथ में तक क्लास ट्वेल्थ का प्लस क्लास टेंथ का पूरा रिवीजन करना है आपको, क्लास ट्वेल्थ एंड क्लास इलेवेंथ, क्लास इलेवेंथ का पूरा रिवीजन कर लो, फिर इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, थर्टीन में पीसीएम का आपको रिवीजन करना है, एक एक सब्जेक्ट कर लो, और फिफ्टींथ में को फिर से जो है आप पीसीएम का रिवीजन कर लो। पीसीएम का रिवीजन जो है आपका नियर अबाउट थ्री टाइम्स तो हो जाना चाहिए, पीसीएम का पूरा सिलेबस आपका जो है ना तीन बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए जो बैच थ्री वाले स्टूडेंट्स है। और बैच थ्री वाले स्टूडेंट्स आपको पूरे के पूरे 12 शिफ्ट के पेपर, पूरे के पूरे 12 शिफ्ट के पेपर देख के जाने, वो 1800 क्वेश्चंस आपको देख के जाने, और ट्राई करो आपका ये हो गया सॉल्व करके, हो गया पांच छह पेपर आपके सॉल्व करके हो गए, आपने सॉल्यूशंस देख लिए कैसे सॉल्व करना है क्या करना है, आपके फ्रेंड को बोलो कि भाई इसमें से मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अब वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ऐसा अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करो, तभी आप एमएसटी सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बैच थ्री वाले समझ गए सारे स्टूडेंट्स को कैसे करना है। नाउ फाइनल टिप्स, फाइनल टिप्स क्या है, फाइनल टिप्स में मैं यही बता सकता हूं आपको कि 2023 के क्वेश्चंस एज अ मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 2023 के क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट सिंपल जो सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन है उसको ही प्रैक्टिस करो, जो सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन है बस उसको ही प्रैक्टिस करो, आप फिर वहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीईटी लेवल में इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे क्या, इससे भी इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो लेवल के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में है वही लेवल के क्वेश्चन आपको 2024 के एग्जाम में भी आएंगे। तो 2023 के क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मॉक टेस्ट कहां से दोगे, राइजिंग एजुकेशन ऐप से। देन डेली आपको जो है फॉर्मूला रिविजन करना है, डेली फॉर्मूला, डेली का डेली आपको फॉर्मूला रिविजन करना है, डेली का डेली, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एक बार पूरा रिवीजन कर लो फॉर्मुलेस, देन मैथमेटिक्स के कैलकुलस ये सारे फॉर्मुलेस रिवाइज कर लो, सारे फॉर्मुलेस अच्छे से रिवाइज कर लो। देन लास्ट थर्ड टिप जो है मिस्टेक्स, मिस्टेक्स फाइंड करो, इस लास्ट मोमेंट में आपसे क्या गलतियां हो रही है वो मिस्टेक्स को फाइंड करो, मिस्टेक्स कहां से फाइंड कर सकते हो आप, फुल लेंथ टेस्ट दे के और उसको एनालिसिस करके। तो ये थी फाइनल स्ट्रेटजी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें मिल जाएगी जो जो चीजें आपको लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन के लिए चाहिए, और वन शॉट के वीडियोस जो मैंने आपको नोट्स बना के, जो नोट्स है हम लोग जहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चंस जो सॉल्व किए 2023 के, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किया, जो प्रैक्टिस किया है वीडियो लेक्चर्स में, उसका पीडीएफ जो है मैं राइजिंग एजुकेशन ऐप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे फ्री कॉन्टेंट में जाके वो पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन बूस्टर बैच अभी भी अवेलेबल है, आपको ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जिनको लगता है, जो बैच टू बैच थ्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है, उनके लिए आपके पास टाइम है 2023 के, और जो स्पेशली बैच वन जिनके पास कम टाइम है उनके लिए ये और यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप जिनको, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लो, ओके। पीसीएम के माइंड मैप्स तो अवेलेबल है, माइंड मैप्स भी गो थ्रू करते रहना, कभी कभी माइंड मैप्स को भी देखते रहना। तो आई होप सो ये स्ट्रेटर्जी आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ गई है। अगर आप ये स्ट्रेटर्जी को फॉलो कर रहे हो तो डिफरेंट कोई स्ट्रेटर्जी को मत फॉलो करना, अगर आप कोई दूसरी स्ट्रेटर्जी को फॉलो कर रहे हो तो ये स्ट्रेटर्जी को मत फॉलो करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं ऐसी और एक नई वीडियो में, यूजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच।